मैं जो आए हुए हैं तो उनसे मिलने के लिए मैंने जाना है, तो हम अपना काम फटाफट खत्म कर रहे हैं। ये गाजरों की खीर बनी हुई है, ठीक है, ये मैंने नहीं बनाई है, इन्होंने, मेरी हेल्पर है, इन्होंने बनाई है। तो इसके अंदर अभी चीनी शीनी डाली है, देखते हैं अभी कि कैसी बनी है। इधर हमारी कढ़ाई गर्म हो रही है और हम बनाने लगे हैं, ऐसे ही कुछ खास नहीं, हल्का सा हम चिकन शोरबे वाला बनाएंगे। तो थोड़ा सा हमने उस हिसाब से डाल लिया है इसमें ऑयल टू बिगिन विद, और हम इसमें डालेंगे जी, डाल दिया है प्याज, और प्याज को हमने थोड़ा सा, धनी इसको पीसना है, अच्छा जी इसको हमने पीसा हुआ है, पीसेंगे तो हमारा एक तो आसान बनेगा, दूसरा शोरबा बड़ा लुक भी अच्छी आएगी और टेस्टी भी होगा। तो इसको हम करेंगे ब्राउन। उधर से खीर चेक कर लेते हैं। खीर में डाली थी हमने चीनी और नमक, और इसको हमने कंप्लीशन पे ले जाएंगे। ये देखिए जी हमारी खीर, तो इसको चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, पूरी है तकरीबन, पूरी है, थोड़ी सी और डाल देते हैं। ये थोड़ी सी चीनी मैंने और डाल दी, और थोड़ा नमक भी डाल दे दो, ठीक है। ये थोड़ा सा नमक भी मैं इसमें और डाल रही हूँ ताकि ये यमी बने। चलो और देखिए कितनी अच्छी खूबसूरत शक्ल बनी है ये, कि इसमें गाजरों का लाल रंग भी आ रहा है और टेस्ट भी आप यकीन करें कि बहुत अच्छा। ये हमारे गांव की रेसिपी है, तो अभी तो खैर ये बन रही है, नेक्स्ट टाइम फिर हम आपको बताएंगे कि हम कैसे बनाए। ये देखें, अब ये हमारा प्याज जब गोल्डन ब्राउन सा हुआ है तो हमने इसमें डाल दिया है जिंजर गार्लिक का पेस्ट। ये और इसको भी करेंगे हम बड़े अच्छे तरीके से ब्राउन। किस कदर खूबसूरत लाल रंग हो गया है अभी ये। और इसमें अंदाजे से मैं डाल रही हूँ नमक, और फिलहाल मैं डाल रही हूँ सिर्फ हल्दी, और ये मज़ीद काला ना हो तो इसके लिए हम इसके ऊपर अंदर डालेंगे थोड़ा सा। और साथ ही हम अपनी डाल देंगे इसमें और तेज आंच पे हम चिकन गोश्त को हमेशा तेज आंच पे भूनना चाहिए ताकि उसके जूसेस ना निकले। और आइडियल ये होता है कि नमक बाद में डालें, मैंने गलती की है पहले डाल दिया, लेकिन नमक भी बाद में डालना चाहिए, पहले गोश्त को भून लेना चाहिए। देखिए मसाला भी कितना अच्छा हो रहा है, ये देख ये इसमें दिखाएं कढ़ाई में, ये देख इसको हम कम से कम 15 से 20 मिनट तक भूनें। 15 मिनट भूनने के बाद हमने इसमें डाल दिया है जी टमाटर का पेस्ट, टमाटर का पेस्ट नूह एक ग्रॉस बन कर दे। चलो आप मिलाओ जल्दी जल्दी वरना जल जाएगा। कभी चीटा मार लें जरा, और हम इसको भूनते रहेंगे। ये पंद्रह मिनट बुनाई के बाद इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा कुछ धनिया, जी
और साथ ही डल जाएगा इसमें सफेद जीरा। चिकन कोरमा हमारा तैयार हो गया है और ये है इसकी फाइनल लुक। ढक्कन उठा दो ये देखिए। ये हमारा अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। हैविंग फूड? चलो जी बैठे खाएं। अस्सलाम वालेकुम भाभी, अच्छी है ना अंकल की टोपी? ये तो ट्रेजर ऑफ माय लाइफ। यस, ट्रेजर ऑफ माय लाइफ, ऑनेस्टली ट्रेजर ऑफ माय लाइफ। सीरियसली सही बनी है? हाँ, बहुत अच्छी लग रही है माशाल्लाह। गाइस, ये मेरे फादर की कैप है जो गिलगित की है ना? बस जहाँ की भी है। और ये मैंने संभाल के रखी हुई थी और ये अब मैंने ये मैंने आसिम को दे दिया। आसिम, ये मैंने तुम्हें बहुत बड़ा दिल करके बहुत बड़ा दिल। और ये है जी हमारा मुर्तजा। बेटा कुछ खाया करो। मुर्तजा क्या खा रहे हो? करो मेरे बच्चे। साइमा आप कैसी हो? बिल्कुल ठीक। आई एम ग्लैड कि आप यू फीलिंग बेटर नाउ। क्या हुआ? अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंटली जो हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर या चीफ गेस्ट हैं वो हैं ये सलमान। देखें, मुझे अगर आप यूट्यूब पे लगा रही हैं ना, मैं तो पैसे चार्ज करूंगा। आप पहले सोच लें। नहीं, पहले इंट्रो तो हम करवा दें। मैं आपको ये मसाला दे। सलमान मेरे ब्रदर इन लॉ है, मेरी सबसे छोटी बहन। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है खालदा? ठीक हो खालदा? तो सलमान मेरी सबसे छोटी बहन आलिया के हस्बैंड हैं और AKA सलमान खालू। और जब बच्चों को बहुत प्यार आता है तो वो इनको सलमी खालू भी कह देते हैं, है ना? कौन? ये गाइस, ये देखिए, जो लोग कनाडा से आते हैं वो कितने प्राउड बन जाते हैं। देख ही रहे हैं करना होता है। और वो मुझे भी बड़े फेवरेट, पता नहीं कैसे बने हुए हैं। सलमान का भी फेवरेट बन गया। सलमान का भी फेवरेट बन गया। सलमान तो मेरे सब आते तो बहुत वो काइंडनेस और वो वाली चीज जो सब लोगों को एवरीबॉडी लाइक्स दैट। तो अब सीन ये है कि बाकी पार्टी कब पहुंच रही है? 10th को इंशाल्लाह। सलमान किसी काम की वजह से जल्दी आ गए और बाकी सारा गैंग हमारा पीछे पीछे। देने के लिए बड़ा वो ठंडी ना लेना। मेरे फोन की खैर है। अच्छा, चलो फिर तोड़ता हूँ। इतना महंगा वो तो आईफोन तो काफी एक्सपेंसिव होता है। नहीं, बस आपा की तस्वीर मैंने ठीक है। बस अब ये है कि ये लीडर लीडर इज हियर। हमारे जो फर्स्ट आने वाले वो थे सदस्य जी, वो आ गए हैं। बाकी गैंग पीछे पीछे आ रहे हैं और पता नहीं इन लोगों ने क्या करना है। ये आप इनको ऐसे ना समझिए, रात और रात प्लान बनाते हैं। ये बेटा आपकी मेहमानी टिका के खा रही हैं, आप देख सकते हैं सारे। और ये भाईजान फेवरेट। और ये मैड में, एक्सक्यूज मी गाइस, एक और न्यूज बता रही हूँ। एक होटल है जिसका नाम है लक्सस होटल। लक्सस है When you wake up,
यू कैन सी होल गिलगित। वो इग्नो की बात कर रही है पर वो और है, मैं लेक्सस की बात करूं, लेक्सस में ये भी आपके पास ऑप्शन है कि आप उसमें टू बेडरूम का वो ले लें, वो फ्लोट करता है पानी के ऊपर, अतबर लेक के ऊपर फ्लोट करेगा पूरी रात। Yes, फ्लोट करेगा और शर्त ये है कि आपको स्विमिंग आनी चाहिए एंड आई एम अ वेरी गुड स्विमर। डेफिनेटली डेफिनेटली नहीं बट यू आल्सो नो स्विमिंग, इतनी तो आती है तुम्हें। मुझे बटरफ्लाई आती है, बटरफ्लाई बटरफ्लाई मतलब इट्स अ ब्रेस्ट स्ट्रोक, बटरफ्लाई इज द मोस्ट डिफिकल्ट स्ट्रोक। आई कैन डू दैट बटरफ्लाई। वो जो फ्रेंच क्वीन थी ना वो कहते हैं मुझसे एक लेंथ बड़ी मुश्किल से होती है। वो जो फ्रेंच क्वीन थी ना क्या नाम था मैरी एंटोनेट, कहती है लोग भूखे क्यों मर रहे हैं, कहती है कि उनके पास ब्रेड नहीं है, कहती है वो केक क्यों नहीं खाते। ये थैंक यू फॉर कॉलिंग मी अ क्वीन, नहीं ये उसका अपने हशर नहीं देखा क्या किया था लोगों ने। नहीं वो तो किंग लुईस नहीं था, उसकी वाइफ थी, उसकी वाइफ थी ना, थोड़ी बहुत अपने लुई द 7th, लुई द 6th, लुई द 8th, दे वर ऑल लाइक दिस ना, दे वर लाइक सार्स। ये ब्रिटेन और फ्रांस और जर्मनी सब इंटर मैरिजेस हुए सब लिए गए यार तुमने। पापा दिस इज पति सेज आल्सो दे हैव चेंज दिस डब्बा एज वेल ना, अब ज्यादा कूल कर दिया। साइमन ने दिखाए ये जमील वालों की जो बर्फी है ना, ये बहुत अच्छी बर्फी, स्पेशली दिस वन। ये क्या है, समथिंग वेरी नाइस, वो चांदी का वर्क नहीं लगा हुआ था जिसपे दिखाना, ये नरम है इसपे, ये चांदी का वर्क होता है। ये कोई हलवा है, हलवा टाइप चीज है। घूम रहे हैं फिर रहे हैं, अभी तो 9:05 हो गए हैं और हम लोग मामू आसिम के घर से वापस आ गए। बेसिकली मैं और मुजीब हम ही गए थे और हमारा मकसद यही था कि हम सलमान को थोड़ा हेलो हाई कर लेते, रिसीव कर लेते। 1.5 साल के बाद कनाडा से वो आया है और इंशाल्लाह मेरी बहन आलिया भी जल्दी आएगी एंड देन आप लोगों के साथ भी शेयर करते रहेंगे। तो बस अभी तो जूं ही हम मुजीब ऑफिस से आए, हमने खाना खाया है और जाकर फिर हम इन लोगों से मिले हैं, थोड़ी चाय शाय पी है, थोड़ी गपशप हुई है। तो जैसे जैसे फिर ये हमारी सिटिंग्स लगती रहेंगी इंशाल्लाह हम शेयर करते रहेंगे। आप भी हमें इसी तरह ही सब्सक्राइब करते रहें और अपना प्यार देते रहें एंड वील कीप ऑन मेकिंग मोर एंड मोर ब्लॉग्स फॉर यू। सो टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ फ्रॉम माई साइड एंड बाबा की तरफ से। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।